धर्मांतरण मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी एएलओ प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला तीनों आरोपी 2019 में एनआरसी और सीएए विरोधी दंगों को भड़काने में भी शामिल रहे थे। इनमें से एक मोहम्मद उमर गौतम के संपर्क में भी रहा था। गौरतलब है धर्मांतरण मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में तह तक जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये अभियोग आसाम के जिला उजैनी तथा बिजपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। उस संस्था के व्यक्तियों से उनका वैवाहिक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी